अब हम करने जा रहे हैं गाड़ी की क्लीनिंग। फिर से एंट्री हो चुकी है हमारे वन मैन आर्मी की। गाड़ी पूरी कर चुके हैं हम क्लीन। भैया कुलचा कैसे लगा? पेंट करके कितना अच्छा लग रहा है। ये है पूरे सेटअप के पार्ट्स। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस आज शुरुआत करते हैं एक और नए दिन की। आज पेंट करवाएंगे हमारे पूरे सेटअप में। पेंटर पहुंच चुका है जगह पे, क्योंकि जहां पर हम ये बनवा रहे थे हमने सेटअप रात को वहीं पे छोड़ दिया था सारा गाड़ी से निकाल के, ताकि सुबह अगर मैं लेट भी हो जाऊं तो पेंटर अपने टाइम पे काम शुरू कर सके। आज शाम तक होपफुली, जहां तक मेरा ख्याल है, काम ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस हम फिर से पहुंच रहे हैं अब अपनी वर्कशॉप पे, जहां पर हमारी गाड़ी का चल रहा काम, और देखते हैं अभी तक काम कहां पहुंचा है। राजू पेंटर जो न्यू एंट्री है हमारी स्टोरी में, वो शायद वहां पे पहुंच गए होंगे, और देखते हैं उन्होंने अपना काम शुरू किया कि नहीं किया। अभी कोई काम शुरू नहीं है, पर राजू जी का साइकिल लगा हुआ है यहां पे और अजू भैया की स्कूटी भी लगी हुई है। ये राजू भैया कर रहे हैं प्राइमर इस पे। अभी अब हम करने जा रहे हैं गाड़ी की क्लीनिंग। कल वैक्यूम क्लीनर ले आया था मैं शॉप से, आपको मैंने बताया था, तो कल टाइम नहीं मिला और सेटअप भी अंदर लगा हुआ था। आज पूरा सेटअप निकला हुआ है तो करेंगे क्लीनिंग, पर बहुत गंद पड़ा हुआ है। देखें यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा गंद है गाड़ी में, क्योंकि अजू भैया बिना गंद डाले कोई काम कर नहीं सकते। ये है वो आगे भी पड़ा हुआ सारा गंद, उससे आगे की सेक्शन में भी है। ये सारी अभी के अभी मैं कर दूंगा यहाँ पे पूरी क्लीनिंग वैक्यूम क्लीनर जो हमने लाया हुआ उससे। तो उसके बाद से यहाँ पर थोड़ा सा प्राइमर करके राजू भैया कर देंगे पेंट, यहाँ पर भी पेंट हो जाएगा और जो हमारे बाकी सेक्शन है वो भी पेंट हो रहे हैं। और शाम तक ऐसे ही सारी फिट कर देंगे हम इसमें और ये फुल हो जाएगा। और अभी हम जाएंगे मैट्रेस वाले के पास भी थोड़ी देर में, और शाम तक हमारा मैट्रेस भी हो जाएगा कंप्लीट। मैट्रेस मैंने आपको बताया था हमने बनाया अलग अलग पार्ट्स में, सिंगल सिंगल पीसेज में, क्योंकि उसमें हमें कोई भी जो है हमारी स्टोरेज उसमें एक्सेस करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे और होपफुली आज हमारा मैट्रेस भी तैयार हो जाएगा और शाम तक हमारा जो बेड है और जो किचन सेटअप है वो कम्प्लीटली रेडी रहेगा शाम तक हमारा, और चेंज होके पूरा फिट हो जाएगा, रेडी टू यूज हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमने कर दी क्लीनिंग। अभी आपको दिखाया था यहाँ पे कितना गंदा है, वो सारा गंदा जा चुका है इसके बॉक्स के अंदर वैक्यूम क्लीनर का। ये देखे, अब बाकी भी आपको करके दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा चलता है। तो गाइस जैसे ये कपड़े पे गंद पड़ा हो, कपड़े के लिए आती है आगे लगाने के लिए ये सेक्शन, अब हम ये यूज़ करेंगे। ये देखिए साथ साथ में क्लीन हो रहा पूरा, हो चुका फुल। इसमें छोटा सा बैग है और आई थिंक वो फुल हो चुका होगा, उसको खाली करके दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ये है इसका बैग जो हो चुका फुल, इसको दोबारा से लगा देंगे। मैं पहली बार कर रहा हूँ आज ये शॉप पे, राहुल ही करता था इससे वैक्यूम क्लीनिंग। फिर से एंट्री हो चुकी है हमारे वन मैन आर्मी की। ये देखें अब ये पेंट की तरफ दौड़ चले हैं। तो गाइस मतलब ये काम है ना जो, ये इनका ही है मेरा नहीं है, क्योंकि इसी भाव से कर रहे हैं कि जैसे काम इनका ही है। सीरियसली आप खुद देख सकते हो, हर जगह शुरुआत हुई थी सामान लेने से, मुझे कोई पता नहीं क्या सामान आया, कहाँ से आया, इन्होंने लाया, चाहे उन्होंने किलो के हिसाब से लाया और हमें इन्होंने रेट फुट के हिसाब से दिया हो, पर लाया इन्होंने ये सारा सामान। उसके बाद ये देखो गाइस वुड का सारा काम इन्होंने किया। कल अगर मैट्रेस लेने गए थे तो वहाँ पे भी सेल्समैन यही थे। अच्छा ये लोहे का जो बनाया था ये भी आपके सामने, वो फैक्ट्री वाले नहीं थे वहाँ पे, मतलब जो भी वर्कशॉप वाले नहीं थे वहाँ पे, पर वहाँ भी काम इन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद पेंटर भी इन्होंने ही बुलाया, पेंट का सामान भी जहाँ से इनकी कमीशन सेट होगी वहीं से इन्होंने ही जाके लाया मेरे साथ। अब देखो ये वाला काम भी ये खुद ही कर रहे हैं पेंट का भी। तो ये हमारे वन मैन आर्मी है, इनके होते हमें कोई टेंशन नहीं है। गाड़ी पूरी कर चुके हैं हम क्लीन अच्छे से, ये देखो आप, अब भी होगी यहाँ से पेंट, और फिर उसके बाद हम करवाएंगे दूसरा जो पेंट का सामान है वो पेंट हो रहा। पर गाइस आज एक हमारे साथ दिक्कत होगी, वो ये कि ये देखिए मौसम, तो आज कुछ धूप इतनी खास है नहीं, तो कोशिश यही है कि शाम तक जो है हमारा काम ये कंप्लीट हो जाए और पेंट अच्छे से सूख जाए, ताकि हम इसको वापस इसमें शिफ्ट कर दें, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी इस चीज़ की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि शाम तक ये सूख जाए और ये इसके अंदर हम सामान डाल दें सारा, ताकि शाम को मैं अंतु को यानी कि अंतरिक्ष को ये सारा
सेटअप दिखा सकूँ। कल भी रात को एक्साइटेड था पर सामान मैं यहाँ पे छोड़ के चला गया था, तो देखते हैं क्या होता है। इसी वजह से हमारी एक्साइटमेंट को समझते हो और हमारी भावनाओं को समझते हो, हमारे अज्जू भैया खुद भी इसी काम में लग पड़े हैं। तो गैस वो भैया ने एक साइड उसकी पेंट कर प्राइमर कर दी है और अब बारी है इसकी। गाड़ी में थोड़ी सी जहाँ पे रस्ट वगैरह, और जहाँ तक ये हमारा ये आएगा प्लेटफॉर्म जो भी है उसका बेड का, हम सोच रहे हैं वो एक बार कर ही दें अच्छे से, ताकि क्योंकि जब ये इस पर रखा जाएगा कोई रस्ट की प्रॉब्लम है कुछ ना रहे, तो रस्ट फ्री करने के लिए अब इसको प्राइमर हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे पेंट किया जाएगा। पेंट हम नॉर्मली करेंगे, गाड़ी वाला नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीरियर है इस पर जरूरत भी नहीं है। और वैसे भी गाड़ी ये मैं तो जब तक इसकी लाइफ है एटलीस्ट तब तक तो मैं इसको सेल नहीं करने वाला, क्योंकि ये गाड़ी बड़ी पसंद है मुझे, बड़ी यादें जुड़ी हैं इसके साथ, 5 टूर्स हैं लद्दाख के अभी तक के इसके ऊपर, और भी बहुत कुछ है। तो दैट्स वाई ये गाड़ी हमेशा मैं रखने ही वाला हूँ। शायद लाइफ में अगर मौका दिया लाइफ ने या ऐसा हुआ कभी चांसेस आए तो एक और गाड़ी ले लेंगे, पर इस गाड़ी को मैं तब भी सेल नहीं करूँगा, दैट इज़ श्योर। तो पेश है फिर से वन मैन आर्मी को लेके। भैया कुलचा कैसे लगाया? ये आधा 15 का और पूरा 30 का, आधा भी दे देते हैं हम। ये यहाँ सबसे ज्यादा महंगी आप ही हो जो मुंह में, मुझे लग रहा है जल्दी मीर हो ना आपको। क्वालिटी लेनी है या क्वांटिटी लेनी है ये बताइए। ना पढ़ा लिखा कुलचे वाला MBA कर रहे हैं क्या? MBA कर रहे हैं बाबू। अबे ये क्या है? दोनों तरफ से आपको भी कर सकते हैं कुलचे वाला, देखिए। तो गाइस ऑलमोस्ट प्राइमर हो चुका है, ये लास्ट पार्ट जो हो रहा है, मगर एक मेजर पार्ट जिस जो बेड है वो जहाँ पे कल हम मैट्रेस लेने गए थे वहाँ पे हम देखे आए हैं वो रहता है। वो अभी 2 बजे के करीब भैया हमें देंगे, क्योंकि अभी उन्होंने कटिंग करनी है मैट्रेस की उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली। तो ये सब हो चुका है, और जो यहाँ पे जो वो पार्ट है जो विंडशील्ड बनाई थी गैस बर्नर के लिए, वो भी प्राइमर हो चुकी है। गाड़ी में भी जहाँ जहाँ प्राइमर था, प्राइमर का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बस वो आपको बताया बेड रह गया, वो भी अभी लाना है, यहाँ अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई वो पेंडिंग है। अब इसके बाद भैया इसके बाद अब आप तुरंत पेंट शुरू कर दोगे? अच्छा पहले ये पुटीन भरेंगे, पुटी कहते हैं इसको, वो भरेंगे जहाँ जहाँ पे गैप्स होंगे, उसके बाद फिर ये भैया पेंट का काम शुरू कर देंगे। शाम तक हो जाएगा भैया कंप्लीट? शाम तक भैया काम खत्म कर देंगे। अजय भाई जब मैंने कल आपको फोन किया शाम को कुछ पूछने के लिए, तो आप पीछे से आवाजें बड़ी आ रही थी मारदाड़ की, कौन सी मूवी देख रहे थे? हम उस वक्त जी माफिया मूवी देख रहे थे, वो उसमें कुछ स्टंट वगैरह थे वो हमें काम आते हैं जब हमें कोई पैसे नहीं देता। पैसे हम आराम से दे देंगे। हाँ। तो आप वो सीखने की जरूरत क्या थी? नहीं फिर भी हमें थोड़ा अपडेट करना पड़ता है अपने आप। अच्छा, पर साउथ इंडियन ही हमें सूट करती है, वो इंडियन मूवीज नहीं हमें। पर आप अपने साइज के हिसाब से ना गुलाटी मारना चेक करो वो जहाँ ठीक रहेंगे। तो गाइस ये राजू भैया हमारे जो हैं अब वो पुटीन भर रहे हैं और उसका भी ऑलमोस्ट काम खत्म होने वाला है, पर मेन हमारा बार बार ये टेंशन हो रही जो बेड है वो अभी वहीं पड़ा हुआ है मैट्रेस वाली जगह, वो आएगा तो उसका भी काम होगा। वो भैया ने 2 बजे का टाइम दिया हुआ है, फिर ही आएगा वो बेड। तो ये देखो ये सारे पार्ट्स हमारे ऑलमोस्ट पड़े हुए हैं यहाँ पे एक बेड को छोड़ के, और एक बाहर पड़ा हुआ है जो हमने मेटल की विंडशील्ड बनाई है गैस भरने के लिए, वो दीवार पे पड़ी हुई है। गैस ये हमारे राजू भैया जो बिना बात के हमेशा हंसते रहते हैं, कुछ भी हो ये हंसेंगे। एक बार किसी के मरने पे गए थे वहाँ भी हंसे रहे थे। तो अजू ये रोते नहीं कभी? नहीं ये रोते नहीं है जी। शाम को पेमेंट कभी रोते यार? कभी रोते शाम को इनकी पेमेंट रोक के देखते हैं रोते हैं कि नहीं रोते हैं। तो गैस ये अभी पेंट का काम हो चुका है शुरू। अब हमारा जो बेड है वो दिया हुआ है वहाँ पे जो अजू भैया ने, जहाँ पे अजू भैया की कमीशन थी उस दुकान पे, पर वो अभी तक दे नहीं रहे वो क्या कहते हैं इसको अपना बेड, वो कह रहे हैं कि अभी बंदा नहीं आएगा गद्दा बनाने वाला। तो हमने उनको बोला फाइनली आप हमें, क्योंकि टाइम हो रहा है लगभग 2:50, तो हमने उनको कहा कि 3 बजे तक फाइनल आप हमें बता दो, नहीं भी बन सकता तो कोई दिक्कत नहीं हम वैसे ही ले हैं, क्योंकि उसको अभी प्राइमर के बाद पेंट भी होना है और आज कैसे भी करके हमने शाम तक ये ख़त्म करना है। तो इसलिए अगर उन्होंने 3 बजे तक कहा कि नहीं होगा तो भी हम उनसे वो ले आएंगे, उसको प्राइमर और पेंट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जब ये हो जाएगा कंप्लीट तो फिर 2-3 दिन के बाद में मैट्रेस बनवा लेंगे, मैट्रेस की कोई बात नहीं है। वैसे भी अभी हम 2-4 दिन तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, तो इसीलिए अभी फिलहाल इस पर फोकस कर रहे हैं पेंट वाले पे, क्योंकि कल मौसम बारिश का, आज भी ये देखें वो है सूर्य देवता जी जो इस टाइम पर बिल्कुल नम बैठे हुए हैं, तो कल तो वैसे भी बारिश 2 दिन बताई है, तो आज ये काम हमें ख़त्म करना ही करना है। और ये अच्छा हुआ कि हम ये जो कलर करवा रहे हैं ये ग्लॉसी नहीं करवा रहे मैट वाला करवा रहे हैं, उससे ये फ़ायदा होगा कि जल्दी सूख जाएगा तो शाम तक शायद ये गाड़ी में फिट हो जाए। बेड हम ले आए वापस, क्योंकि अभी तक इसका मैट्रेस का कुछ हुआ नहीं था, उनका कारीगर नहीं आया था,
तो उस चक्कर में हमारा बेड का पेंट लेट हो रहा था, तो वो हम ले आए हैं। अब ये अंदर रख के हम पहले प्राइमर करवाएंगे फिर पेंट। और ये देखें, डे बाय डे और ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जा रहा है हमारा सेटअप। ये देखें पेंट करके कितना अच्छा लग रहा है। ये है हमारी किचन, ये है उसके ड्रॉअर, एक ये है और एक ये है, और एक वो है जो कटलरी वाला नीचे से, जिसके ऊपर वो हमारा ये वाला प्लेटफॉर्म आएगा। और ये है किचन से आगे का सेटअप, जिसमें हमारी स्टोरेज बनी थी कपड़े वगैरह के लिए। ये वो है, ये भी पेंट हो चुका है, अच्छा लग रहा है गाइस पेंट होके। ये गाइस एक हमने स्टैंड बनवाया है ताकि डिगी से जब चढ़ना है गाड़ी में बेड पे, तो ये हेल्प करेगा हमारी, उसके लिए एक बनवा लिया भैया से। तो हो रहा पेंट, जैसे जैसे पेंट हो रहा है वैसे और अच्छा लग रहा है। इस पे करवाते हैं गाइस अब, ये जो हमारी विंडशील्ड है इसको भी ब्लैक करवाना। देखना साइकिल ना कर देना अपने साथ ही, ठीक है ना। तो गाइस री एंट्री हमारे वन मैन आर्मी की। देखो फोम का काम भी इन्होंने किया, ये वो फोम है जो यहाँ पे पैकिंग दी जाएगी उसकी, ताकि एक तो वाइब्रेशन कम हो, मतलब आवाज़ वगैरह भी ना हो, और दूसरा ये इसका फायदा रहेगा कि जैसे गैप्स हैं, गैप्स भर जाएंगे तो कोई भी चीज़ जो है वो गैप में गिरेगी तो वो मतलब लॉस नहीं होगी, ऊपर ही रहेगी, गैप में जाएगी नहीं। गाइस हमारा वन मैन आर्मी अब प्राइमर करते हुए हैं जी। तो गाइस ऑलमोस्ट जो है हमारा फर्नीचर वो पेंट हो चुका है। एक तो वो स्टैंड रहता है, एक ये रहता है जो बेड है। ये हमने आपको बताया कि ये लेट आया था बेड, क्योंकि ये दिया था मैट्रेस बनाने के लिए। तो इसको प्राइमर भैया कर चुके हैं, अजू भैया हमारे। तो अब बस ये पेंट होगा, और पेंट यहाँ का रह गया, और अभी एक पेंट रह गया वहाँ पे करना, जो हमारा विंडशील्ड है जो कुकिंग वाली, उसमें अभी पेंट होगा, उसमें पेंट होगा अभी एक साइड पे हो चुका है, एक साइड का पेंट रह गया विंडशील्ड का, साथ में गाड़ी के अंदर का पेंट रह गया जो डिक्की का, जहाँ हमने स्टेपनी रखी होती थी वो निकाली है। गाइस राजू भैया अब कर रहे हैं पेंट गाड़ी के अंदर। शाम के 6 बज चुके हैं और अभी तक ये अभी यहाँ पे पेंट कर रहे हैं तो गीला ही रहेगा, तो आज भी कोई चांस नहीं लग रहा। डे 3 है आज, आज भी कोई चांस नहीं लग रहा कि ये अंदर रखा जाएगा। तो इसीलिए एक काम करते हैं, हमने ये सोचा है कि जो हमारा सेटअप पेंट हुआ है उस सेटअप को हम यहीं पे छोड़ देंगे और रात भर सूखने देंगे, और सुबह उसको फिर इंस्टॉल करेंगे गाड़ी में। क्योंकि एक्चुअली कल भी बारिश है और परसों भी बारिश है, तो धूप तो उसको लगने नहीं वाली, तो रात भर ही जितना सूखेगा सूखने देंगे। रात भर में राजू भाई सूख जाएगा ये सारा? रात भर में ये सारा सूख जाएगा, तो सुबह फिर हम क्या करेंगे कि इसको गाड़ी में रख देंगे, सारा इंस्टॉल कर देंगे, और वो बेड भी सूख जाएगा पेंट होके, तो कल उसके मैट्रेस का भी काम करवा लेंगे। तो कल भी गाड़ी हमें लानी पड़ेगी यहाँ पे, ये सारा उसमें लोड करके उसके बाद हम मैट्रेस के लिए चले जाएंगे। गाइस बड़ी एक्साइटमेंट थी आज की, आज पूरा सेटअप लग जाएगा और मतलब हम शाम तक इसको कंप्लीट कर लेंगे, और मैं जाके अंतु को दिखा दूंगा, वो भी एक्साइटेड था। कल भी जब मैं गाड़ी लेके घर तक गया था तो वो सीधे भागता हुआ बाहर आया था देखने की सेटअप लग गया और कैसा लग रहा है। तो मैंने उसको बताया कि सेटअप तो अभी रेडी नहीं हुआ, कल होगा, मतलब पेंट नहीं हुआ, कल होगा। पर आज भी वो बेचारा पूरी उम्मीद लेके बैठा होगा। सुबह से मुझे 2-3 कॉल्स आ गई हैं उसकी कि काम कहाँ पहुँचा। और आज जब उसको जाके बताऊँगा कि ये नहीं हो पाया तो फिर बेचारे का मूड ऑफ होगा। हो सकता है उससे पहले उसकी कॉल आ जाए और मैं बता दूँ उसको कि आज भी नहीं कल काम कम्प्लीट होगा। बेड का पेंट हो चुका है शुरू, और बहुत प्यारा लग रहा है बेड भी ब्लैक पेंट में। सारा ही हमारा जितना भी सामान है सब हो चुका है ब्लैक। ये जो आप देख रहे हो ये तो ACP शीट है, ये वाइट रहेगी, ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन दिया, साइड्स कोई कोई वाइट रखी है, अदरवाइज सारा ब्लैक है, मतलब 90% से ज़्यादा जो है ये ब्लैक ही है हमारा ये सारा सेटअप। ये है पूरे सेटअप के पार्ट्स। तो गाइस आपको मैं फ़र्क बताता हूँ ब्लैक कलर करवाने का। ये देखो ये ब्लैक है बेड, ये देखिए कैसा लग रहा है।
ये देखे व्हाइट होता तो कैसा लगता है, ऐसी लगती व्हाइट है। और ये है ब्लैक, एक साइड को हो रहा है फाइनल टच। एक्साइटमेंट तो बहुत हो रहा है, पर एक ही प्रॉब्लम है कि शाम का टाइम हो गया किलो के करीब है, तो इसको साइड पे हैंडल लगेंगे। अभी दो हैंडल यहाँ, दो हैंडल यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे दोनों हैंडल लगते हैं, इजीली कैरी हो जाएगा। उसके भी स्क्रू और लग जाएंगे, तो उसके बाद ये सारी चीजें जो है अच्छे से हम बीच में फिट कर लेंगे, असेंबल कर लेंगे। ये सब असेंबल करने के बाद हम सीधे जाएंगे उन भैया के पास जिनसे हमने इसका मैट्रेस बनवाना है, जो आज बन नहीं पाया, उनका कारीगर नहीं आता इस वजह से। इसलिए अब ये सब होने के बाद हम भैया के पास जाएंगे मैट्रेस बनवाने कल, और होपफुली जैसे मैं डेली आपको कहता हूँ पर कुछ ना कुछ रह जाता है, होपफुली कल डे फोर पे हमारा ये पूरा जो सेक्शन होगी, पूरा हमारा सेटअप होगा, वो रेडी होगा, रेडी टू यूज होगा कल शाम। अभी भी भैया ने एक चीज बोली है जो कि मुझे वाकई में बहुत सही लगी। और भैया क्या बोल रहे थे आप? वो भी इतनी छोटी सी गाड़ी में इस गाड़ी में ये सारा सामान वाकई में गाइस यही है। ये देखो फिटिंग के अंदर फिटिंग है, फिटिंग के अंदर फिटिंग है, तो ये सारा जो सामान है ये हमारी गाड़ी में फिट होने वाला कल। ये देखें, और ये बेड का ये जो टॉप है ये भी सब कुछ इसमें फिट होने वाला। और कल शाम तक मेरी एक्साइटमेंट जो है वो खत्म नहीं होगी जब तक ये मैट्रेस डल के कम्प्लीट नहीं होगी। जैसे मैंने को कहा, चार तीन दिन से मैं सो ही नहीं पाया टाइम पे, सीरियसली मैं मतलब एक दिन पौने तीन घंटे सोया हूँ, एक दिन साढ़े पाँच घंटे सोया हूँ, और कल रात को भी मैं हार्डली चार घंटे सोया हूँ, नींद ही नहीं पड़ रही, सुबह उठ जाता हूँ। अब देखते हैं कल क्या होता है। तो गाइस हमारा पूरा सेटअप हो गया पेंट, और मैंने जैसे आपको बताया था अभी ये सूखा नहीं है, सूखेगा ये कल सुबह तक, तो उस टाइम पे हम ये करेंगे सारा उसमें इंस्टॉल गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी में ही पेंट करवाया, वो भी सुबह तक सूखेगा। और राजू भैया ने हमें कर दिया फ्री, देखो कैसे राशि मजदूरों की तरह खड़े हैं, तो ये इन्होंने हमें फ्री कर दिया। अब ये जा रहे हैं यहाँ से, और फिर इनके साथ तो अलविदा हो गया, बाकी कल काम है जुबे का थोड़ा सा, उसके बाद अब मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, कल सुबह आऊँगा, फिर मिलूँगा आपसे। थैंक यू। तो गाइस ये है हमारे भैया जिनका ये घर है, जहाँ पे हम पूरा सेटअप कर पाए, तीन दिन हो गए आज, और चौथा दिन भी, बिलीव मी सीरियसली कह रहा हूँ मैं, इतने अच्छे लोग मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरी ही फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है, क्योंकि तीन दिन तक इन्होंने कोऑपरेट किया। आपको पता है इतना कुछ बनाना इतना ईजी नहीं था, सब इनके घर के अंदर बना है, 100 टाइप का कचरा, 100 टाइप की वेस्टेज, बहुत कुछ होता, पर ये एक बार भी इरिटेट नहीं हुए, उल्टा इन्होंने अपने से हमें खिलाया पिलाया ही है, एक बार भी इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी आज भी मैं ये लेके जाने वाला था जितना भी सामान था, कि चाहे गीला गाड़ी में रख लेता हूँ, कितना बॉदल करेंगे, पर इनके मदर जो है दीदी है जो, उन्होंने स्पेशली मुझे बोला कि नहीं आप आज मत लीजिए, आपका इतना सेटअप बनाया हुआ खराब हो जाएगा, रात को हम अंदर रूम में रख के पंखा ऑन करके पूरी रात सुखाएंगे, फिर आप सुबह ले जाना। तो लोग ना कुछ अपने आप में ही रह जाते हैं, दूसरों की हेल्प करने की सोचते भी नहीं है, पर ये बहुत हेल्पफुल है। इनसे मैं इनको मैं इससे पहले जानता तक नहीं था, जो अज्जू भैया वही जानते थे, पर बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने, बहुत हेल्प किया, तो थैंक यू भैया, थैंक्स फॉर दैट। तो बहुत अच्छे हैं भैया ये, इनकी वजह से ये सेटअप कम्प्लीट हो पाया, क्योंकि एक तो ये फ़ायदा कि इनके घर में जगह बहुत थी, और गली में भी काफ़ी स्पेस थी, ये गली आगे से बंद है इनकी, तो इस वजह से गली में गाड़ी लगा के पूरा काम हो पाया गाड़ी का इजीली। सारे कुछ विंडोज डिगी हमने खोल के रखी थी इन दिन, इसलिए पॉसिबल हो पाया। तो आज ये हो गया कंप्लीट, कल सुबह मैं आके यहाँ से ये सामान उठाऊंगा, इंस्टॉल करूंगा, और उसके बाद आगे हम जाएंगे मैट्रेस वाले के पास। तो मिलते हैं कल।